नमस्कार, आप देख रहे हैं News 47 मीडिया, मेरे यानी शाहीन खान के साथ। तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साहबजादे जुनैद खान बहुत जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। हालांकि जरूरी बात तो ये है कि बाकी स्टार्स की तरह जुनैद को अपने फादर के नाम पे फिल्में नहीं मिली, बल्कि जुनैद बकायदा अपने दम पर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च होने वाले हैं। हम आपको ये बता दें कि जुनैद की फिल्म की शूटिंग अब शुरू भी हो चुकी है। को बता दें कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली मूवी महाराजा इस मंगलवार को शुरू हो चुकी है। हाँ, हम आपको बता दें कि मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा टीवी सीरियल्स और मूवीज को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पर कोविड की कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ प्रिकॉशन जो उनको लेनी पड़ेंगी। उस सूत्रों के अनुसार फिल्म की शूटिंग मुख्य कलाकार, 25 जूनियर आर्टिस्ट और कुछ चुनिंदा क्रू मेंबर के साथ हो रही है। गामा रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का सेटअप मुंबई के मेहरोली इलाके में किया गया है। वहां 100 से ज्यादा टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के लिए 25 जूनियर स्टार, कुछ मेन स्टाफ और प्रोडक्शन टीम से कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो शूटिंग पे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि महाराजा एक पीडी ड्रामा फिल्म है जो 1862 के महाराजा इवेंट केस पे आधारित है, और जुनैद इस फिल्म में पत्रकार करसन दास मुजली के किरदार में है। और तो और जुनैद के साथ इस फिल्म में अर्जुन रेड्डी फेम शालिनी पांडे भी हैं, और इसके अलावा जयदेव अलावा भी इसमें इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सवाल तो ये है कि इस बार मैदान में बेटा और बाप दोनों साथ उतरेंगे। मेरा मतलब है कि लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ आमिर खान के बेटे महाराजन की मूवी भी साथ ही रिलीज होगी या उसके आसपास। कि बेटे की फिल्म की शूटिंग तो शुरू भी हो चुकी है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसी साल के आखिर में इस फिल्म की शूटिंग पूरी भी हो जाएगी। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ये मूवी दोनों की साथ ही रिलीज होगी या आगे पीछे या कब होगी। आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ होगा बेटे का डेब्यू, ये तो देखने वाली बात है। पर असल बात तो ये है कि आमिर खान, जिन्होंने इतने साल तक मेहनत करके इंडस्ट्री में और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, क्या उनके बेटे जुनैद खान ये कर पाएंगे, अपने पापा की तरह लोगों के दिल में उतर पाएंगे, या जो उनके फादर और उनकी जनता और उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशंस पे वो उतर पाएंगे। देखना ये है कि जुनैद खान अपने फादर की तरह इस इंडस्ट्री में नाम बना पाते हैं या नहीं बना पाते, या उनको अपना नाम बनाने में इस इंडस्ट्री में कितना वक्त लगता है। ऐसे ही मजेदार बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर यहाँ से जाइएगा मत। नमस्कार।